इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। एक बार इमरान खान और जावेद के साथ कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन बूम बूम ने मैदान में बॉल को भी कम ही तोल कर खेला। बोलने से पहले तो क्या तोलें। इसीलिए आज पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद के खिलाफ जो मुंह में आया कह गए। आई थिंक इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। यही फर्क इमरान खान और जावेद मियांदाद में था। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के लिए कैसा खेला और आफरीदी ने क्या बेचा। जावेद मियांदाद ने टेस्ट में 52 की औसत से 124 मैचेस में 23 सेंचुरियां और 43 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। यादगार इनिंग्स 280 रन नॉट आउट है। जबकि बूम बूम साहब की टेस्ट की औसत 36 रन है। उन्होंने टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरियां और 8 निस्फ सेंचुरियां बनाई। आफरीदी जो खुद को वनडे का हीरो समझते हैं, इसमें उन्होंने 398 मैचेस में महज 23 की औसत से खेला, जिसमें 6 सेंचुरियां और 39 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। जावेद मियांदाद ने आफरीदी के मुकाबले में 233 मैचेस में तकरीबन 42 की औसत से खेला। उन्होंने 8 सेंचुरियां और 50 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 1992 के वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद के यादगार खेल को हमेशा याद रखा जाएगा। जहां तक बात रही आफरीदी मियां की, तो उनको चुप कराने के लिए शारजा का छक्का ही काफी है।